पापा को काम नहीं करने देना, वो देखो वो ओ देखो। भाई A cave, a dream that no one could say. Good boy, Kichi, good boy. चलो जी, भगवान का नाम लेके शुभ काम शुरुआत कर लिया। फ्रेश के लिविंग कुछ इम्पोर्टेंट काम के लिए, लेट्स होप कि सब अच्छा जाए और अपडेट्स आपको देते रहेंगे। अभी नहीं, थोड़े टाइम में आपको पता लगेगा कि कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं। हाय पीपल, मम्मा कहाँ है? ये तो पापा हैं बेबी। चलें फिर काम करने के लिए वापस। उसके बाद इधर ही आने वाले हैं। रेडी भाई टू गो। आज तो भाई ढेर सारी सनस्क्रीन लगा के निकला हूँ, क्योंकि आपको पता ही होगा कि मेरा जो चेहरा है ना, उसके जो फ्रेकल्स हैं वो धूप में इतने ज़्यादा मतलब ऐसे हाईलाइट हो जाते हैं। एंड मेरे को जितनी बार भी मैं स्किन डॉक्टर के पास जाता हूँ ना, वो डर्मेटोलॉजिस्ट हर बार मुझे बोलते हैं कि आप तो बिना सनस्क्रीन के निकलो ही मत, चाहे धूप है या नहीं है। पर फिर भी मैं उतना ध्यान नहीं रखता, बट अब आज तो मैंने सोचा कि लगा ही लेते हैं सनस्क्रीन। ठीक है किचू, पापा ने भी लगा ली क्रीम। I love you, someone very special, someone very special, because it's me, because it's me. हाँ मेरी बेटी, ओ बेटू वो देखो बेटू, ओ मेरा चेहरा पूरा खाली है इसने। तो ध्यान रखना। किचू छतरी के अंदर। चलो बोल माय हैंड। सीपी आ गए भाई। सीपी। चलो। भाई लॉक कर दी ना, के लिए नहीं है, गर्मी के लिए। नहीं नहीं, देख लो। किचू को सिमर भाभी ने संभाला हुआ है, क्योंकि वो रो रहा था। और हम लोग यहाँ पे ना अभी कुछ कॉफ़ी वॉफी पी रहे हैं। अभी इतनी गर्मी है कि अभी कॉफ़ी लेके गाड़ी में जाएंगे डायरेक्टली, और वहीं बैठेंगे जब तक दिव्या का कॉल नहीं आता। तो यहाँ पे बोल रहे हैं सीपी में काफ़ी पॉपुलर जगह थी जहाँ पे हम पीने आए हुए हैं अभी। भाई बता दो तो कौन सा शेक पिला रहे हो? भाई केवेंटर्स का शेक है यहाँ पे। अगर आप लोगों को पता होगा, अगर दिल्ली से नहीं हो तो ये केवेंटर्स बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है, लेकिन ये ओरिजिनल शॉप है। ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था। ये बहुत पुरानी शॉप है यहाँ का, और इनके पास पहले तो सिर्फ शेक शेक्स होता था, अभी इन्होंने स्नैक्स स्नैक्स रख दिया, बट अमेजिंग शेक्स हैं। Hi people. Hello. How was it? Good. Yes, sir. Yeah. British High Commission. तो ये है British Council जहाँ से मैंने सेल्टा किया था दिव्या ने। A lot of people are asking me. तो कहाँ से किया था तुमने? हाँ, एक ब्लॉग उसमें बनाऊंगी मैं कि आपने इंग्लिश में क्या क्या किया है and what are the options आगे जाके करियर वाइज। So very soon you'll see that vlog. ये हमारे घर में सबसे तेज इंग्लिश बोलती है। बोल के दिखाओ दिव्या। इंग्लिश। अभी हम लोग आ गए हैं ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर, जहाँ पे कोई कैफेटेरिया है जो दिव्या बोल रहे काफ़ी पॉपुलर है। अब मैं तो ज़्यादा घूमा नहीं हूँ दिल्ली, आपको पता ही है। तो उसने कहा कि यहाँ पे आज आपको कॉफ़ी पिलाते हैं। मैंने कहा चलो फिर। तो अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं कैफेटेरिया में, और आपको भी दिखाते हैं कैसा है। यहाँ पे ये
दिस इज वेयर यू हैव बीन टॉकिंग अबाउट ना. मेरी पीच आइसक्रीम आ चुकी है. Rashmita, Dipali, Madhura, Ujla, missing you guys. What type of green tea is there? भाई सही लग रहे हैं इस बाल आपके बिखरे हुए. खाना पीना हो चुका है गाइस, हम लोग निकलने वाले हैं सब यहाँ से. और निकलने से पहले मैंने सोचा कि इतनी अच्छी खूबसूरत जगह है तो थोड़े से फोटो. बाय द वे, यू गेट अ लॉट ऑफ बुक्स हियर. तो ये बच्चे लोग जो यहाँ पे बुक्स लेने आते हैं कॉलेज पूरी हो रही हो, मोस्टली फिक्शन एंड ऑटोबायोग्राफी. सो यहाँ पे एक कैफे है, इट्स कॉल्ड द चा बार, एंड यू कैन एंजॉय सम रियली नाइस फूड ओवर देयर. वैल्यू फॉर मनी, स्पेशली किड्स, यू नो, कॉलेज. ज़्यादातर वो है लॉयर्स. पूरा पार्क देखो वहां तक आएगा, लाइट बंद करेगा. पापा को काम नहीं करने दो ना. वो देखो, वो देखो, देख रहे हो सीन, देख रहे हो. What's up everyone? हम अभी तक सोए नहीं है. वैसे सुबह के कितने बज रहे हैं भाई, 5:30. और मैं और भैया ना बैठ के अभी इस मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं और हम बिज़नेस की बातें कर रहे हैं. मतलब मैं भैया से समझ रहा था कि यार एयरलाइन बिज़नेस कहीं चलता है, थोड़ा समझाओ. कल को खोलनी हो हमको हर जाए एयरलाइंस, तो थोड़ा पता तो होना चाहिए ना बिज़नेस. भाई बातें करते करते टाइम निकल गया. हम आए थे यहाँ पे छत पे 4 बजे और 3:30 बजे. 2 घंटे से हम लोग बैठे हुए बातें कर रहे हैं. बहुत दिनों बाद मैंने ये सुबह 6 बजे वाला सवेरा देखा है. बट ये तो बहुत लंबा बिजनेस है, प्लान है. बहुत ज़्यादा हजारों करोड़ों की चाहिए. प्लान कैंसिल भाई. गुड मॉर्निंग. अभी मैं नीचे जा रहा हूँ, बहुत लेट हो गया आज. अब सोया अभी बहुत लेट था, कर आपने देखा ही होगा अराउंड 6 बजे सोए थे हम लोग, मैं और भैया. भैया को तो उठना पड़ा क्योंकि रिद्धा की क्लास थी. बट मैं अभी उठा हूँ आराम से, अब मैं नीचे जा रहा हूँ. और नाश्ते की भी तैयारी हो रही है. दिखाई हो प्लेट स्पेनिश ऑमलेट वाली. नाश्ते की तैयारी. पसीना आ रहा है वैसे. जॉलेंट जी पसीने से भरी हुई है. जॉलेंट जो है थोड़ा सफेद लोट फोट हो रहा है पूरा.
Hey, mister. Yeah, hello, oh yeah. Can you stand? You're trying to stand, na? तू खड़ा होने की कोशिश कर रहे थे। मुद्दा सा था। हाँ, की क्लास चल रही है। लेकिन जल्दी से रिसेस करवाओ क्लास की। क्या क्लास कर रहे हो? थोड़ा सा बड़ा होता है ना, उसको मैं टांग देता है इसको। हम तो ऐसे बहुत लटकते थे। इनफैक्ट जब हम छोटे थे ना, पापा ने घर पे ऐसा एक सेटअप लगाया था जिसपे हम लोग लटकते हैं। वो कहते थे इस पर लटकोगे तो हाइट लंबी होगी। सारा दिन उसको लटकते रहते थे, जिमनास्टिक्स करते रहते थे। किचू तुम भी करोगे जिमनास्टिक्स? इसका क्या मतलब है? इसके जवाब समझने में वक्त लगता है, बट कोई नहीं। एनीवे अब नाश्ता कर लेते हैं जाके, दिव्या ने बना दिया होगा। कंफ्यूजन हो रहा है, शायद आप ही हो। ओ, अब चक मार रहा है। अच्छा नहीं पूछूंगा भाई, नहीं पूछूंगा। ओके ओके, अच्छा नहीं नहीं पूछा, नहीं पूछ रहा है। अच्छा ठीक, तेज लगते हैं ना इसके, दो ही दांत हैं, उससे पूरा प्रेशर लगाए थे 100%। इसको ना टॉय से खेलना पसंद नहीं है, इसको चीज़ें पकड़ा दो घर की, उसी से खेलता है। ये देखो रबड़ बैंड है, अपने हाथ पे मारेगा फिर खुश होगा। नहीं टॉयज नहीं अच्छे लगते तुमको? तुम साइंटिस्ट हो क्या? हर चीज़ खोल देते हो। गुगू उकलो, अई मेरे मुँह पर पड़ी भाई इतनी तेज। ये देख रहे हो, बैंड से खेल रहे, हेयर बैंड से। शक्ल देखना शैतान वाली बनाएगा अभी। किसकी है भाई? आ रही हूँ। अच्छा नानी साथ हेलो करता, हेलो वेरी गुड। चोर ने बोला किचू कितना बड़ा हो जाएगा, कितना बड़ा किचू। इसको समझ कैसे आ रहा है? मैं बड़ा बिग अभी सुबह से अभी आया खोते। वाह चला दो ऐसे। हाँ जी दिव्या उसको सुला रही है, और मैंने सोचा अब मैं ब्लॉग एडिट करके रेडी कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत सारी फुटेज है, क्योंकि हम सीपी गए थे कल, वो भी डालनी है। कैमरा में है, आईफोन में है, दिव्या के आईफोन में है, तो तीनों जगह से फुटेज निकाल के ब्लॉग रेडी करके आज शाम को आपको मिलते हैं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। सी यू टुमारो विद अनदर ब्लॉग। Oh,